ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੜ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜ ਗਏ ਹੈ, ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕਾ ਪਿਆਰ ਬੜ ਗਿਆ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਾਦਰ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਉਸਮੇ ਆਪਕੋ ਸਾਥ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਉਸਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੜਤੀ ਹੈ। ਅਭੀ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲਾ ਕਾਮ ਹੈ, ਹਮਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਸੇ ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਕ ਰੈਕਸੈਕ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਸਕੋ ਹਮ ਸਹੀ ਕਰਨੇ ਦੀਆ ਉਦੋਂ ਉਸਮੇ ਕਰਵਾਨਾ ਕਿਆ ਵੋ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈਂ। ਚਲੋ ਤੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਆਪ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੋ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚਲੋ ਅਰਾਊਂਡ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੋ ਆਸ ਪਾਸ ਵੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੈਦਲ ਚਲੋ ਜਾਂ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਰਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵਹਾਂ ਪਰ ਕੌਨ ਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਯੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੇ, ਤੋ ਉਸਕੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਲਈ ਹਮਨੇ ਟ੍ਰਾਈ ਕੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਈਕ ਨਾ ਲੈ ਔਰ ਪੈਦਲ ਪੈਦਲ ਚਲੇ। ਬਣਾ ਦੀ ਆਪਨੇ ਸਹੀ ਸੇ? ਇੱਕਦਮ ਸਹੀ, ਪਰਫੈਕਟ, ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੰਜੇ ਜੀ ਨੇ ਹਮਾਰਾ ਬੈਗ ਕਰ ਦਿਆ ਤਿਆਰ, ਦੇਖੋ ठीक है ना, स्टिकर लग चुके हैं। ये हम गए थे लद्दाख, हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला, भारत का झंडा क्योंकि हमारे दिल में भारत बसता है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड लद्दाख। ये हमने करके आए हैं स्तोक कांगड़ी, 21,000 फीट हाईएस्ट ट्रैकेबल माउंटेन्स था। तो ये हम चाहते थे कि हमारे बैग पर लगे, और जब हम इसको लेके चल रहे होंगे तो क्या मज़ा आ रहा होगा। ये सब चीज़ें हमने अचीव की हैं और धीरे धीरे ये स्टिकर बढ़ते जाएंगे। संजय जी को हम दूसरा बैग भी दे रहे हैं, ये चैन सही करते हैं हमारी, क्या मजबूत होनी चाहिए हमारे को जाना ऊपर पहाड़ों पे, इधर पहाड़ पे माउंट एवरेस्ट चादर ट्रैक पे जाना है अपने को। तो ये अभी कर दोगे आप? क्या बात है, इससे फास्ट स्पीड किसी की देखिए। संजय जी कह रहे हैं अभी बैठ जाओ, अभी करके देते हैं। परफेक्ट जी, परफेक्ट। संजय जी को हमने सब्सक्राइब करवा लिया, मैंने कहा संजय जी आप कल वीडियो में दिखने वाले हो तो यूट्यूब पर देख लेना। मौसी बोल रही हैं कि अगर आप शूटिंग करते हो तो गजरे वजरे का नहीं लेते होगा? हमने कहा बिल्कुल लेते हैं। कितने का है आपका गजरा? देख रहे हो इतने प्यारे प्यारे गजरे हैं, आप कभी भी आइए अपना बाजार के पास में आपको गजरे ही गजरे मिल जाएंगे। फाइनली अपना बैग हो गया सही, बैग पर लग गए स्टिकर। तो इसके अंदर है हमारे जादूगर वाली चीजें, पर इसको दिखाएंगे हम थोड़ी देर के बाद, क्योंकि जी हम सोच रहे हैं कि अभी सनसेट होने वाला है, पहले बीच पर चलते थोड़ी रनिंग कराते हैं, नहीं तो कार्डियो का टाइम निकल जाएगा, उसके बाद घर पर आके वापस इस तिलस्मी अटैची को हम खोलेंगे। इसके अंदर है जादू, जादू की चीज़ें, नज़ारा आ जाऊगा तुहानू। अगली बार अगर ट्रैक पर जाऊँगे तो पता रहूँगा कि लेके जाना चाहिए आने वापस। जी हम पहुँच गए वर्सोवा बीच पर, और हमारा एक दोस्त है जो हमारे को कह रहा है मेरे को शूट में मत लेना, ये ना अपने आप को बड़ी सेलिब्रिटी समझ रहा है, मैं एडिट कर दूँ इसकी इतनी वाली स्क्रीन जो जिसमें ये दिख रहा होगा ना उसको एडिट कर देंगे। चल भाई चल, हाँ स्वैग समझ रहे हो, स्वैग इंपॉर्टेंट है। चलो भाई चलो चलो चल फिर चल, देख लो सामने देख रहे हो नहीं देख रहे हो, मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये सामने सामने का व्यू, क्या बात है वीरे। ओह पहले ये बीच बहुत ही गंदा होता था, अब ये बीच बहुत ही साफ हो गया है और लोग बहुत हो गए हैं। हाँ तो जी 15 मिनट भागने के बाद एहसास हो गया हमारे को कि साढ़ा चादर ट्रैक च बुरा हाल तो होएगा, पर हम कर तो लेंगे, मज़ा तो आने वाला है। पीछे हमारे सनसेट होने वाला है। नूर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और ये देखो ये क्या क्या पिक्चर्स आ रही हैं, मतलब इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ 3 सेकंड तक रुकना है वहाँ पर और भागना पड़ता है, ठीक है। तो अब मैं जा रहा हूँ, मेरा शॉट है, एक नूर का ले लिया, अब दोबारा जा रहे हैं। तो ये अब ब्लॉगिंग नूर कर रहे हैं यहाँ पर से बैठ के, और क्या कर रहे हैं वो बताएगा। तो एक्सपोजर जो है हमने रखा है 3.2 सेकंड्स का, और एग्जैक्टली सत्या को 2.5 सेकंड्स के अंदर वहाँ से फ्रेम से निकलना पड़ेगा। तो एक शॉट लेते हैं वापस, 1 2 3 निकल। तो शॉट कुछ ऐसा आया है, क्या बात है, शॉट तो पर धुंधला हो गया इस बार। नूर जा रहा है अब शॉट के लिए, और हम ले रहे हैं इसका शॉट। हाँ सेट, सांस मत लेना, परफेक्ट, 1 2 भाग। ओ हो 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 हो, क्या बात है, क्या बात है, ओ लवली, सही पिक्चर जो इतनी देर से ढूंढ रहे हैं। लवली, फोकस भी बहुत क्लियर है क्योंकि अपने फ्लोर पे करा हुआ है। लवली, नाइस शॉट तो मिल गया ये वाला। तो जी ऐसे है कि अगर आप रनिंग कर रहे हो चादर ट्रैक जाने के लिए तो आपका खाना भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। क्या बोलते हो, तो हमने क्या ऑर्डर किया दिखाइए जरा इनको,
प्रोटीन सैलेड। प्रोटीन सैलेड शक्ल देख लीजिए जी, प्रोटीन सैलेड समझ रहे हो। तो अब हम ये खाएंगे, थोड़ा शरीर में अच्छा जाएगा, क्योंकि भाग लिया है, पसीना निकाल लिया, तो मेहनत के बाद अच्छा खाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे तिलस्मी अटैची। क्या है उस तिलस्मी अटैची जानिए कुछ देर में, मिलते हैं। ओके जी, चलो जी, तुहानू दिखाने होना इस तिलस्मी अटैची विच हैगा की की है। तो अगर तुसी स्तोक कांगड़ी वाले ब्लॉग नहीं देखे है तो देख लेना, क्योंकि उसमें ये जितना कुछ कलेक्ट किया था हमने, वो सब कैसे शॉपिंग हुई, कहाँ कहाँ पर से क्या क्या लिया है, वो देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लेना। पर अभी दिखा देता हूँ आपको क्या क्या लेके जाना चाहिए ट्रैकिंग के टाइम पे और क्या क्या हमने खरीद लिया। ये है रेन जैकेट जो हमने लद्दाख के टाइम पे खरीदी थी, बारिश में भी बचाएगी आपको, ठंड से बिल्कुल नहीं बचाएगी, ठंड का अलग जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। ये है हमारी फ्लीस, ये लद्दाख से लेनी पड़ी थी हमारे को, ये ठंड से बचाएगी एक लेयर, यानी कि टोटल तीन लेयर होंगी, तो हमारे को लगता है कि काम 25 हो जाएगा। ये हमने पोंचो लिया था खीर गंगा के टाइम पे, अगर आपने खीर गंगा वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो खीर गंगा के टाइम पे हमने पोंचो लिया था, ये भी हम लेके जाएंगे। ये हमारी रेन पैंट है तो हमारे को बारिश से बचाएगी, बर्फ में जा रहे हैं तो बारिश या स्नोफॉल या अगर हमारे कपड़े भीग गए तो वहां पर रिकवरी का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि वहां पर कोई भी वार्डरोब नहीं होती, तो इसलिए ये केयर करके आपको चलना पड़ेगा। ये हमारी जैकेट है, बहुत ही गर्म है ये, एक सबसे ऊपर ये लेयर होगी हमारे, वूलन ज्यादा गर्म रहता है, बाकी जो जैकेट्स आती हैं जो -5 या -5 बताती हैं, उसके अलावा ये वूलन के ग्लव्स हैं हमारे पास जो हम पहनेंगे, इसके ऊपर हमने दूसरे ग्लव्स लिए हैं वो इसके ऊपर आ जाएंगे, दो तीन लेयर हाथ पे भी हो जाएंगे, वूलन के हम सॉक्स ले में जाके खरीद लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है पानी की बोतल। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपके पानी को बचा के रखेगी बर्फ से, क्योंकि अगर आप नॉर्मल पानी की बोतल लेके जाएंगे तो उसका पानी बर्फ में जम जाएगा, पर ये बोतल गर्म को गर्म रखती है, ठंडे को ठंडा रखती है। ये हमारी संजीवनी बूटी के तरीके से काम आएगी, आप मेहर करे से आराम नाल पहुंच जाइए उते, आराम नाल साडा सफर वधिया रहे, नज़ारे आ जाएंगे। बस जी आई सीगा आज का ब्लॉग, आज ही दिखाना चाहते थी। तो आपका जो बैकपैक हो उसको बड़ा समझदारी से पैक करो, शॉर्ट एंड स्वीट, पानी की बोतल, हाथ के ग्लव्स, तीन लेयर आप उसको बचा के रखो। जाके स्तोक कांगड़ी वाले मेरे ब्लॉग देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या क्या प्रिकॉशंस ले लेके क्या क्या चीजें हुई थी, क्या क्या चीजें घटी हैं मेरे साथ, क्योंकि वो तो 21,000 फीट था, ये 14,500 फीट है, उसमें ट्रैकिंग ज्यादा थी पर इसमें वॉक ज्यादा है, ये फर्क है दोनों की ट्रैकिंग में। मजे तो बहुत आने वाले है, क्योंकि आई एम टू एक्साइटेड जाने के लिए। बस जी NIC का आज का ब्लॉग, आई होप तुहानू मजा आया हो, क्योंकि मैं पहली बार ट्राई किया कि मैं दिन भर क्या करता रहता हूँ वो आपके साथ शेयर करूँ। अगर ब्लॉग पसंद आया तो दसियो, तो फिर ये ब्लॉग बनाते रहेंगे ताकि तुहानू भी मजे आने, फिर नाल फोर कनेक्ट होंगे, क्योंकि मैं तो ऐसे ही घर पे बैठे पंगे लेता रहता हूँ, तुम भी हंसते खेडते रहोगे, असं भी हंसते खेडते रहोंगे, मिलके हंसा खेडांगे, नजारे आ जाएंगे। तो ठीक है जी, हूँ आपका ख्याल रखो, मैं भी आपका ख्याल रखता है, चंगा फिर, रब राखा, मिलते हैं जी।